ईरान लगातार घरेलू स्तर पर अपनी जंगी बेड़े को मजबूत कर रहा है, एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलों को बनाकर अपनी सेना को ताकतवर बनाने में जुटा है। इसराइल के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच ईरान लगातार जंग से जुड़ी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच एक खबर ने इसराइल समेत अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। बताया जाता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स की नेवी विंग को नए स्वदेशी सैन्य उपकरण मिले हैं। इसमें मिसाइल सिस्टम से बचने में सक्षम अत्यधिक विस्फोट हथियारों से लैस क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। नौसेना बल ने एक समारोह में 2640 मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरणों की डिलीवरी ली। इसमें IRGC के मुख्य कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी शामिल हुए। डिलीवरी में नई रडार से बचने वाली क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। इसमें उच्च विस्फोटक हथियार हैं जो गंभीर नुकसान पहुंचाने और दुश्मन के जहाज को डुबोने की ताकत रखता है। इसके अलावा कई प्रकार की लंबी दूरी और मध्यम दूरी की मिसाइलें, लड़ाकू और टोही ड्रोन और भारी संख्या में UAV भी शामिल है। हुसैन सलामी ने इशारों में इसराइल को युद्ध के लिए ललकारने के साथ साथ बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में देशों को मजबूत और स्वतंत्र बनने या बाहरी दबावों के आगे झुकने के बीच चुनाव करना होगा। कोई बीच का रास्ता नहीं है। राष्ट्र या तो कब्जे से आजाद होकर ताकत बढ़ा सकते हैं। नेवी युद्ध के बड़े स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। समुद्र अपने आप में एक बहुत बड़ा जंगी मैदान है। नौसैनिक शक्तियां आमतौर पर युद्ध के सभी पहलुओं में आत्मनिर्भर होती हैं। नौसेना की लड़ाई निर्णायक होती है, सटीकता महत्वपूर्ण है। समुद्र में गति शक्ति के बराबर होती है, जिससे दुश्मन को हराया जा सकता है। आपको एक ही हमले से टारगेट को खत्म करने में सक्षम होना चाहिए। नौसैनिक अभियानों में जहाजों से लेकर मिसाइलों, सुरक्षा पनडुब्बियों और बारूदी सुरंगों तक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अहम है। खास बात है कि ईरान के इस नुमाइंदगी के दौरान कुल 2654 नए सैन्य उपकरणों में से सिर्फ 210 को ही सार्वजनिक रूप से दिखाया गया है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक नेवी के कुछ सबसे एडवांस एंटी सरफेस और सब सरफेस हथियारों समेत बाकी उपकरण सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाए गए। ऐसे में साफ है कि ईरान का ये सैन्य कार्यक्रम एक तीर से कई निशाने साधने भरा रहा, जहां उन्होंने अपने कट्टर दुश्मन को भी कड़ा और सख्त संदेश देने की कोशिश की। वहीं ईरान के नौसेना कमांडर ने नए सैन्य उपकरणों में शामिल किए गए सटीक और सर्जिकल स्ट्राइक ताकत के एडवांस स्टर की सराहना की। रियर एडमिरल अली रेजा तांगसिरी ने कहा, हमने जिन उपकरणों और क्षमताओं को ऑपरेट किया है उनमें इनोवेशन और तकनीकी पर खासा ध्यान दिया गया। नए हेडक्वार्टर स्मार्ट फीचर से लैस है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल ने इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। नए हथियारों में रडार से बच निकलने वाली क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, जो दुश्मन देश के सैन्य तंत्र का खात्मा कर सकती हैं। ऐसे में ईरान ने अपने शक्ति प्रदर्शन से अपने विपक्षियों को बड़ा और सीधा संदेश देने की कोशिश की है। गौरतलब है कि ईरान और इसराइल के बीच का तनाव चरम पर है। ऐसे में युद्ध के बढ़ते माहौल के बीच ईरान का सैन्य तौर पर मजबूत होना इसराइल के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। वैसे तो इसराइल ने भी अपने स्तर की तैयारियां पुख्ता कर ली हैं, मगर ईरान ने अपने ही घर में बने खतरनाक हथियारों से फिलहाल इसराइल समेत अमेरिका बेखबर है। ऐसे में इसराइल की सांसें इन दिनों फूली हुई हैं।